तोตรีचा यूपीएससी क्लासेस और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक नेट पिक कवर करेंगे टॉपिक का नाम है जलियावाला बाग हत्याकांड एंड हंटर कमीशन जलियावाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और हम दे अब हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जलिया बाग मैसा जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है ये पहले तो जी एस स्टेज पर ही इम्पॉर्टेंट है सेकेंड में इसका जो जी एस वन पेपर है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कवर किया गया है वहाँ पर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम देखेंगे कि जलिया वाला बाग आखिर वहाँ पे क्या हुआ था जलियावाला बाग मसाकर को जो है मसाकर ऑफ अमृतसर भी कहते हैं जो कि तेरह अप्रैल 1919 को हुआ था जहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स या फिर ब्रिटिश सेना ने जो है निहत्ती भारतीय भीड़ पे फायरिंग कर दी थी जनरल डायर के कहने पे और ये जलियावाला बाग कहाँ पे है अमृतसर जो पंजाब में है वहाँ पे है और ये जो भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई थी धरना करने के लिए वो किस लिए इकट्ठी हुई थी अभी आपको लास्ट लेक्चर में मैंने रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई और डॉक्टर सत्यपाल इन्होंने जो है रॉलेट एक्ट का विरोध किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तो इस विरोध करने की वजह से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था इन्हीं दोनों के अरेस्ट के विरोध अरेस्ट का विरोध करने के लिए जलियावाला बाग में लोग जो है इकट्ठा हुए थे जलियावाला बाग जलियावाला बाग में सिर्फ एक ही एग्जिट डोर, डोर था और तीन तरफ से जो है ऊंची ऊंची दीवारें थी जलिया बाग जो कांड हुआ इसको इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको कहते हैं हंटर कमीशन या फिर जो है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी इसने इनिशियल स्टेज में जो है जनरल डायर का प्रेस किया जिसकी वजह से जो है इंडियस इंडियन पॉपुलेशन में इंडियन लीडर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर गया और इसी गुस्से का नतीजा था आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्नीस से लेकर के उन्नीस में अब एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछता है कि कितने लोग जलिया वाला बाग मसाकर में मरे थे तो ऑफिशियली इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टिगेशन बैठा है उसने कहा सिर्फ और सिर्फ थर्टी थ्री सेवेंटी नाइन लोग ही इस कांड में मरे थे लेकिन कांग्रेस के अकॉर्डिंग लगभग बारह लोग जो है इस हत्याकांड में जलिया बाग हत्याकांड में मरे थे और इंडियंस का रिस्पॉन्स क्या आया जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये जो ट्रेजिडी हुई इसने जो पूरे इंडियंस को पूरे भारत को ही एक सदमे में डाल दिया कि और ये ये भरोसा

महात्मा गांधी जी ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी इसीलिए जो केसरी हिंद की उपाधि इनको दी गई थी जो कि जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने भी वापस कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को अदर इफेक्ट्स क्या पड़े जलिया वाला बाग हत्याकांड का कि जो कल्प्रिट था इस मसाकर का जनरल डायर उसको जो है ब्रिटेन के पब्लिक ने रिवॉर्ड दिया और सम्मान वहाँ पे जो ऑनर किया वहाँ वहाँ पर मतलब सम्मान दिया गया कि नहीं जनरल डायर ने बहुत ही अच्छा काम किया है वहीं इंडिया में हम देखेंगे तो इंडिया में ये जो मर्सिलस ने जो मसाकर हुआ इंडियंस का इंडियन पब्लिक का जलिया वाला बाग में उससे जो है पूरी के पूरे के पूरे देश देशवासी जो है एकदम सदमे में थे you और विंस्टन चर्चिल ने तो विंस्टन चर्चिल ने इस जलियावाला बाग मसाकर का कंडम किया है और कहा है ये एक राक्षसी प्रवृत्ति का हत्याकांड था जलियावाला बाग हत्याकांड ने जो ब्रिटिश के ऊपर भरोसा था इंडियंस का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमें जस्टिस देगी प्रेयर प्रेयर के थ्रू और पटिशन के थ्रू और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के थ्रू उस चीज की नींव को हिला के रख दिया और ये भरोसा दिला दिया कि नहीं अब हमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है हमें किसी भी प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराना है और जो हंटर कमीशन बनाई गई थी चौदह अक्टूबर उन्नीस को वो इसलिए बनाई गई थी कि पंजाब में जो डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं उसकी इंक्वायरी करने के लिए कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं और क्या कॉज क्या, क्या था और उसका मीज़र क्या है कि कैसे इस चीज़ को सही किया जाए और इसने जो सब इसने जो रिपोर्ट सबमिट की अंटर कमीशन ने उसमें कहा कि जनरल डायर को कंडेम तो किया लेकिन जो कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया यही चलिए वाला बाग कांड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अब इंडियंस के द्वारा रेजिस्टेंस क्रिएट करने का शुरुआत हो गया यहाँ से कि अब जो है इंडियन लीडर्स ब्रिटिशर्स ये नहीं ये सोचेंगे कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें जस्टिस देगी अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ विरोध होगा ये जो जलियावाला बाग हत्याकांड जो हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है या फिर जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया मोड देता है या ये जो हुआ ये कांड ये इंडो ब्रिटिश रिलेशन में एक परमानेंट स्कार की तरह हो गया कि हाँ ये एक धब्बा हो गया जो कि कभी नहीं मिट सकता है और यहाँ से गांधी जी ने गांधी जी अपना पूरा कमिटमेंट दे पूरा ए, पूरा कमिटमेंट के साथ कहते हैं कि अब हमें जो है इंडियन ब्रिटेन से जो है इंडिपेंडेंस चाहिए और फुल इंडिपेंडेंस से हमें कम कुछ भी नहीं चाहिए और गांधी जी यहाँ इसी जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद अपना पहला कैंपेन मास सिविल डिसोबिडियंस ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अप्रेसिव रूल है उसके खिलाफ शुरू करते हैं दिसंबर 1919 में कांग्रेस का सेशन हुआ अमृतसर में वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी लोगों ने अटेंड किया था प्लस इसमें जो फार्मर्स भी अटेंड किए थे इस मीटिंग को इस इस कांग्रेस सेशन को और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया था कि अब जो इंडियन पब्लिक है वो केवल और केवल आज़ादी के लिए लड़ाई करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करेगी यहाँ से तो जो है इंडियन पब्लिक खुद ही कानून तोड़ना शुरू कर दी और इंडियन पब्लिक ने यह कह दिया कि जो स्टेट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो खुद ही इलीगल है इलेजिकमेट इल, 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 इल है और आगे चल के यहाँ से जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड की बात शुरू हो गई अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे जलिया वाला बाघ हत्याकांड से जुड़े हुए क्वेश्चन है कि कम जलिया वाला बाग मसाकर हुआ तो इसका आंसर तेरह अप्रैल 1919 सौ ऑर्डर द चलिया वाला बाग मसाकर तो एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर आर ई एच डाय सिंबॉलिक एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट तो जो प्रोटेस्ट विरोध हो रहा था ही, इस जलिया वाला तो सिम्बोलिक एक्ट क्या था तो इसमें लोग जो है, जो उनको उपाधियां दी गई थी वो वापस कर रहे थे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहोड की उपाधि मिली थी उन्होंने अपनी नाइटहोड की उपाधि वापस कर दी महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी उन्होंने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी हंटर कमीशन क्या था हंटर कमीशन जो पंजाब में जो वाला बाग हत्याकांड हुआ जो पंजाब में चल रही है उसकी इंक्वायरी के लिए जो है बैठाया गया था और उसको ये पता करना था कि क्या कारण था और क्या इसका क्या कैसे इसका निकाला जाए जो पंजाब में डिस्टर्बेंसेस चल रही है अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जलिया बाग हत्याकांड से एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन है कि द जलिया वाला बाग मसाकर सत्याग्रह ऑप्शन आपके पास है स्वदेशी सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह बर्दोली सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह सत्याग्रह इसका आंसर है रॉलेट लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था उसी में जो है लोग विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का उसी इसी रॉलेट सत्याग्रह की वजह से जो सत्याग्रह हुआ वहां लोग विरोध कर रहे थे तो उसके उसके आगे फिर जो है जल्द वाला बाघ हत्याकांड हो गया फिर है द मसाकर ऑफ क्राउड एट जलियावाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन किस दिन जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है पांच मई 1918 एक अप्रैल 1919 13 तेरह अप्रैल 1919 और उनतीस उन, जुलाई 1919 तो इसका आंसर है तेरह अप्रैल 1919 नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनार्कल रिवोल्यूशनी क्राइम एक्ट वाज नाइनटीन नोन एज अब ये जो पूछ रहा कि जो क्वेश्चन कि क्राइम एक्ट है 1900, 1900, उसको क्या कहा जाता है लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया कि को ही जाता है. तो इसका आंसर आपके सामने रॉलेट एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जलिया वाला बाग मसाकर टूक प्लेस इन दिटी जलिया वाला बाग हत्याकांड वो किस शहर में हुआ तो ये ऑप्शन आपके सामने मेरठ है आगरा है अमृतसर है लाहौर है तो इसका आंसर है अमृतसर जो कि पंजाब शहर में था थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें रिचा यूपीएससी क्लासेस। थैंक यू सो मच वंस अगेन